हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर बीजेई क्लास। वी आर कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक ट्रायंगल। ओके, इन ट्रायंगल वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। हमने इसमें पहले पढ़ा व्हाट इज इन पाइथागोरस थ्योरम। अभी इस चैप्टर में आपको दो चीज बताई गई है, देर आर टू थिंग्स। क्या क्या है उसमें? एक यू हैव टू रिमेम्बर कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। ओके, ये हमने पहले पढ़ा है, देखा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ये थ्योरम रहती है। फिर इसमें थ्री साइड्स होती है, जिसमें हम इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, पहले पढ़ा है हमने, तो बेस, परपेंडिकुलर। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना स्टडी बुक। तो हम इसी को थोड़ा और अभी देखेंगे, थोड़ा और समझेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और इसमें क्या चीज होगी। अब इसमें आपको दो दो बात आपके फिलहाल आपको बुक में है आपके, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास बेस का मेजरमेंट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी कुछ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइट है हमारी, और ये हाइपोटेनियस, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट आइदर दिस वन और दिस वन और दिस वन। कोई दो चीज हमें रहेगी, थर्ड हमको फाइंड आउट करना होती है ना। एक तो ये चीज हो गई और दूसरी बात ये हो गई कि वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड एंगल। सपोज दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री का होगा, है ना। ये दो चीज हमको इसमें देखना है, हम दो चीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम अगर हम देखें इसमें कि फाइंड द मिसिंग मेजर ऑफ ट्राइंगल एट द राइट, सपोज ये हमारा एक डायग्राम है, दिस वन इज 13 सेंटीमीटर, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, नो दिस वन इज 5 सेंटीमीटर और हमको ये नहीं मालूम कि ये कितना है, तो हमको हम इसको ले लेंगे बी, इसको ले लेते हैं हम ए और इसको ले लेते हैं हम सी। दिस वन इज सी एंड दिस वन इज ए। 5 सेंटीमीटर ए पर है, 13 सेंटीमीटर सी पर है, बी कितना है हमको नहीं मालूम। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट बी, हाउ मच बी। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, हमको यहाँ पे एंगल्स के बारे में नहीं पूछा है, हमको साइड्स, इसकी डिस्टेंस, मेजरिंग, मेजर्स ऑफ ट्राइंगल, मिसिंग मेजर। अब इसका मेजरमेंट कितना है ये नहीं मालूम हमको, ये तो मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक 13 है, यहाँ से यहाँ तक है 5 है, इसका मेजरमेंट भी हमको वी हैव टू फाइंड आउट, हमको इसको मालूम करना है, एंगल फाइंड आउट नहीं करना है कि ये तो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ की ये हमेशा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, तो ये तो हमें मालूम है 90 डिग्री। अगर ये चीज़ है तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई। ओके, अब फॉर्मूला क्या है हम इसका, कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सी स्क्वायर दिस वन, ए स्क्वायर दिस वन, बी दिस वन। अब हम इसमें लिख देंगे कि सी का स्क्वायर नाउ
वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, बी की कितनी है नहीं मालूम, सी कितनी है 13। ठीक, बात हो गई इतनी। अब हम उसको इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सी 13 सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर, बी हमको फाइंड आउट करना है, बी हमको फाइंड आउट करना है। अब 13 का स्क्वायर सभी को मालूम है स्क्वायर मतलब कितना होगा, 13 × 13 मीन्स 169, 5 का कितना हो जाएगा 25 प्लस बी हमको मालूम ही नहीं है क्या है। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, हम इस 169 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 169 - 25। ओके, आप इसको समझिए, इसको देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। LHS RHS जिसको नहीं उसमें कंफ्यूजन रहेगा ये उस चीज वो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, 169 ये है, ठीक है, 25 को हम इधर लेकर आ रहे हैं तो प्लस के 25 होगा माइनस के 25, इक्वल साइन एज इट इज लगा हुआ है, बी एज इट इज जहाँ पर है वहीं पे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 169 - 25 कितना हो गया 144, ठीक है, 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी हमको क्या पूछा है कि फाइंड आउट द बी, हमको बी की वैल्यू निकालना है, सिर्फ बी की, बी स्क्वायर की नहीं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, b का स्क्वायर 144 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो हम क्या कर देंगे कि b इक्वल टू 144 का स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ से स्क्वायर का साइन हट जाएगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, बात समझ में आ गई, बी इक्वल टू 12, तो इसकी मेजरमेंट भी हमारे पास क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। गॉट इट, बात समझ में आ गई। दिस इज इन योर बुक एग्जांपल नंबर 7 ऑन पेज नंबर 142 पे ये एग्जांपल है, आप इसको देखेंगे समझेंगे देख करेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट, ये हमने साइड के हिसाब से बात करी जो साइड्स हमको दी हुई थी। अगर मान लो कि यहां पर हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम इसको नाम देंगे ए बी सी,
ए पे अगर मान लो ए पे हमें दिया है 110 डिग्री का, बी पे सपोज 30 डिग्री का, सी पे एक्स डिग्री का, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस सी 180 डिग्री, प्लस कर देंगे 140 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ओके एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, इसको हम इधर लेकर आए तो कितना हो गया, एंगल सी कितना हो जाएगा, ये हमारा नाउ 40 डिग्री। तो वी स्टडी टुडे टू थिंग, एक जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हमें क्या यूज करना है फॉर्मूला, वो हमने पढ़ा है, और अगर नहीं है तो हमको किस तरह से करना है, ये दो पैटर्न दो तरीके आपकी बुक में है, और तो आपको उसको पढ़ना है समझना है, आपको कॉपी में इस टाइप के सारे सम करना है, ओके नाउ उसके बाद जो बात आएगी वो ये कि जितनी भी आपकी ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास है उस पर कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके थैंक यू।